Assalamualaikum everyone. Today is your maths class. तो चलिए शुरू करते हैं विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अच्छा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. आप लोग प्रीवियस क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ के आ चुके हैं 7 में 6 में अलजेब्रा के बारे में कि अलजेब्रा होती क्या है. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अलजेब्रा, छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. अलजेब्रा जो है वो मैथ्स की ब्रांच होती है, वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग नंबर्स के साथ साथ अल्फ़ाबेट्स को भी डिस्कस करते हैं. सही, अल्फ़ाबेट्स हमें पता है ए से लेकर जेड तक के जितने भी वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं नंबर्स के साथ, उनका क्या कॉम्बिनेशन है, क्या उनका सारा सिनेरियो है. तो स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं जो पता होनी चाहिए, लाइक कॉन्स्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल क्या चीज़ होती है, एक्सपोनेंट क्या चीज़ होती है. इसका हम शॉर्ट सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. सही, मैथ्स अलजेब्रा में कोई भी अल्फ़ाबेट दिया हुआ हो किसी नंबर के साथ हो, जैसे यहाँ पर लिखा हो वाई, अकेला वाई ए, या किसी नंबर के साथ दिया हो लाइक दिस 2y, अल्फ़ाबेट को हम लोग कहते हैं वेरिएबल. यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगी. अच्छा, रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर. लेटर हमें पता है क्या चीज़ होती है. अच्छा, उसके बाद अगर कोई ऐसा नंबर हो जो बगैर वेरिएबल के हो, अलजेब्रा में कोई ऐसा नंबर हो जो बगैर वेरिएबल के हो, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेंट. सही, इसी तरीके से वेरिएबल के साथ वाला जो नंबर होता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ 2 के साथ y, तो y तो हमें पता है वेरिएबल है, लेकिन इसके साथ जो 2 है उसे हम क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट. जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज कोएफिशिएंट. आगे आपको इन सब की डेफिनेशन मिल जाएंगी, आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं. सही, अच्छा अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंट. क्या पढ़ने लगे हैं, एक्सपोनेंट. अब एक्सपोनेंट क्या चीज़ होती है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इसका सारा, क्या इसकी सारी वर्किंग है. किसी भी नंबर के ऊपर अगर आप ऐसे पावर देखें, जैसे 2 के ऊपर 2 है, सेम थिंग y वेरिएबल के ऊपर, कहाँ चला गया, y वेरिएबल के ऊपर 3 दिया हुआ है, a के ऊपर 2 दिया हुआ है, तो इसे हम लोग कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट. सही है, एक्सपोनेंशियल पावर. अब ये क्या चीज़ होती है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं. सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि जैसे कोई नंबर दिया हुआ है लाइक दिस 2a, 2 इज़ अ पावर व्हाइल a इज़ अ वेरिएबल. तो जिसके ऊपर पावर दी जाती है, जैसे इस वक्त पावर है 2a के ऊपर, तो जिसके ऊपर पावर दी जाती है उसे हम कहते हैं बेस, और जितनी पावर होती है उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट. रिटन ओवर हियर, हियर a इज द बेस एंड 2 इज द एक्सपोनेंट. तो हमें पता चला कि जिसके ऊपर पावर दी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेस, और जो पावर होती है वो एक्सपोनेंट होता है. जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि बेस क्या है, तो हम लोग बोलेंगे y इज़ अ बेस, वाई व्हाट इज एक्सपोनेंट, 2. सही. अच्छा जी, हम लोगों ने इस चैप्टर में अलजेब्रा से रिलेटेड क्या पढ़ेंगे, एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, डिवीजन कैसे होती है, ये सारा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और ये आगे आप बहुत काम आएगा. सही है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8A से. पहला क्वेश्चन है ऐड का. ऐड का मतलब हम बचपन से जानते हैं, एडिशन, प्लस करना, मिलाकर लिखना. तो बिफोर स्टार्टिंग दैट हमें कुछ नॉलेज होनी चाहिए. नॉलेज किस बारे में होनी चाहिए, कि कौन सी चीज़ कैसे और कितनी ऐड होगी. जैसे आपको यहाँ पर 2a नज़र आ रहा है, अब
टू के साथ कोई भी साइन नहीं है, लेकिन हमें नज़र आ रहा है थ्री के साथ प्लस है, सेवन के साथ प्लस है, तो हमें पता चला थ्री का साइन है प्लस, सेवन बी का साइन है प्लस, जबकि यहाँ पर कोई साइन नहीं दिए हुए। जब साइन ना हो इसका मतलब है ये प्लस साइन है, तो हमें पता चला टू का साइन इस वक्त क्या है प्लस है, फोर का साइन क्या है प्लस है। अगर माइनस दिया हुआ होता जैसे यहाँ पर है, तो हमें क्या पता चलता कि ये माइनस है, लाइक दिस। थ्री के साथ माइनस दिया हुआ है तो मीन्स थ्री का साइन क्या है माइनस का। अच्छा अब हम बात करते हैं कि एडिशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये वाली एक्सरसाइज आप लोग करेंगे बुक में। सबसे पहले हम देखेंगे कि टू ए का मतलब क्या है, टू ए का मतलब क्या है। तो हमें पता चला टू ए का मतलब है कि ए कितने हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने हैं चार। तो अगर आपसे कोई बोले कि 2a और 4a कितने a हो जाएंगे, तो आप लोग क्या बोलेंगे 2 प्लस 4 6a, सही। और साथ में कितने b हैं 3, कितने 7, कितने b हैं 7, तो टोटल कितने b हो जाएंगे आपके पास, तो सिंपल 3 प्लस 7 इक्वल्स टू 10b। प्लस अच्छा अब आ जाते हैं हम लोग नीचे सेकंड क्वेश्चन पे। हमें पता चला कि यहाँ पर 3a हैं, यहाँ पर 2a हैं, तो टोटल जब हम ऐड करेंगे तो कितने a हो जाएंगे, तो पता चला 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 और साथ में a। ये तो हमें समझ में आ गया, इन दोनों के साथ साइन नहीं था तो प्लस का साइन था। अब हम यहाँ देखेंगे तो हमें पता चला b कितने हैं 4, b कितने हैं 5, लेकिन एक का साइन माइनस है और एक का साइन प्लस है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, ज़िंदगी में कहीं पर भी आपको ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलें तो याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जब भी साइन एक जैसा होता है तो हम लोग एडिशन करते हैं। जैसे यहाँ पर इसका भी साइन प्लस का था और इस बी का साइन भी प्लस का था। जब साइन एक जैसे होते हैं तो हम लोग ऐड करते हैं, इसका भी साइन प्लस, इसका भी साइन प्लस, तो हमने इन दोनों को ऐड किया, आंसर आ गया 10b। लेकिन अगर कभी भी साइन चेंज आ जाए तो याद रखिएगा, जब भी साइन चेंज होंगे तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगी, तो 5 में से 4b निकालेंगे तो हमारे पास 1b बचेगा। 1b लिखा हुआ है, अब 1 हम लोग साथ में नहीं लिखते, जैसे हम लोग प्लस नहीं लिखते हैं इसी तरीके से हम लोग 1 भी नहीं लिखते, तो 5b में से 4b गया तो सिर्फ 1b बचा। अब जब साइन अलग अलग था हमने सब्ट्रैक्शन तो कर दी, तो बीच में साइन कौन सा आना चाहिए, तो हमें पता चला दोनों में से जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा। हमें पता है 5 बड़ा है 4 से और 5 का साइन क्या है प्लस का, तो साइन क्या कौन सा आ जाएगा प्लस का। सेम थिंग राइट हियर, 3a प्लस a कितने a हो गए 4a, सेम थिंग 6b 7b। अब दोनों के साइन कैसे हैं अलग अलग, जब भी साइन अलग अलग हो तो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर दें, तो 7 में से 6 निकाला तो मेरे पास क्या बचा 1b, और 1 हम लोग साथ में लिखते नहीं हैं, बी आ गया। और साइन हमेशा बड़े वाले का लगा देते हैं, 6 छोटा है 7 से और 7 का साइन माइनस का, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस का साइन। चलें अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। ए के साथ अब इसके डायरेक्टली हमें बताया हुआ है क्या साइन है माइनस का, और 3 के साथ कुछ नहीं है तो क्या मतलब है इसका, इसके साथ प्लस का साइन है, 4 के साथ प्लस माइनस और b के साथ प्लस। अब हमें पता है जब भी साइन अलग अलग हो तो हम लोग बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को निकाल देते हैं, तो मैंने 3 में से 1 निकाला तो मेरे पास क्या बचा
टू ए, यानी कि तीन ए में से एक ए निकाला तो मेरे पास टू ए बच गया, सही। और साइन मैं हमेशा बड़े वाले का लगाता हूँ जब भी सब्ट्रैक्शन करता हूँ, तो मुझे पता चला थ्री बड़ा है और इसका साइन प्लस का है, और प्लस हम लोग वैसे ही शुरू में नहीं लिखते हैं। फिर मैं गया यहाँ, मैंने देखा यहाँ पर फोर भी है और यहाँ पर एक भी है, और दोनों के साइन अलग अलग हैं। जब भी साइन अलग अलग होते हैं हमें पता है कि हम बड़े वाले वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को निकाल देते हैं। फोर में से वन निकाले, थ्री भी बच गया। चार भी में से एक भी निकाला, तीन भी बच गए। और साइन किसका आता है हमेशा? बड़े वाले का। सेम थिंग हम लोगों ने इस क्वेश्चन में भी की है, इसमें भी हमने वही किया। ए टू, जब भी टू आए हम लोग इसको पढ़ेंगे ए स्क्वायर। जब भी पावर टू की जगह थ्री आ जाए, यानी एक्सपोनेंट यहाँ क्या आ जाए थ्री, तो हम उसे पढ़ते हैं क्यूब, सी यू बी ई, जो क्यूब होता है ना, आइस क्यूब जैसे होता है वो वाला क्यूब। ए स्क्वायर, थ्री ए स्क्वायर, सेवन ए स्क्वायर, और साइन कैसा है? अलग अलग। तो बड़े वाले में से छोटा वाला निकाल दें, सेवन में से थ्री गए तो कितने बचे? फोर, और साइन हमेशा बड़े वाले का आता है तो प्लस आ गया, और प्लस हम लोग शुरू में लिखते नहीं हैं। सेम थिंग, फाइव ए बी, टू ए बी, साइन अलग अलग, माइनस कर दिया और साइन बड़े वाले का। सेम थिंग, टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, प्लस एंड माइनस, साइन अलग अलग, सब्ट्रैक्ट करके बड़े वाले का साइन आ गया। अच्छा, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया होमवर्क के लिए। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अगर हो गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हुए तो कोई मुजाहिके वाली बात नहीं है, हम आपको करवा देंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा, बता दीजिएगा। आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ा था। सो टेक केयर योर सेल्फ, बी अवेयर ऑफ कोविड, फॉलो SOPs, अल्लाह हाफिज़ नासिर।